अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिहा डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 साल की बच्ची के लिए डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ इस तरह से पीस बचे हुए थे जिससे हम बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक तैयार करेंगे। ये देखें, आप अगर ये फ्रॉक बनाना चाहें तो आपको ये 1.5 गज कपड़ा लेना होगा। व्यूअर्स, फ्रॉक की लेंथ हम 21 इंच तैयार करेंगे और ये प्लेन फैब्रिक को हमने इस तरह बिछाते हुए फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ 1.25 इंच है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अब हम एक बार इसे फिर फोल्ड करेंगे और इस प्रिंटेड फैब्रिक को भी हमने अलग कर लिया है। इसकी लेंथ हमने 14.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 19 इंच रखी है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, एक बार फिर इसे फोल्ड करेंगे। इंची टेप को यहाँ रखते हुए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से गोल शेप देंगे। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा फोल्डिंग में है। इंची टेप को यहाँ रखते हुए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट का साइज हमने 14 इंच रखना है। गले के लिए हम इंची टेप को यहाँ रखते हुए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से इस तरह तिरछा निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। अब हम इसके कोने से हल्की सी गोल शेप देंगे। ये बॉटम के पार्ट पर हमने फ्रिल लगानी है। इसके लिए 7.25 इंच की लंबाई पर हमने फ्रिल को अलग कर लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 36 इंच रखी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, प्रिंटेड फैब्रिक को और प्लेन फैब्रिक को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही इसकी दूसरी साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही हम इसके दूसरे हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस हिस्से से जोड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है और कुछ इस तरह से हमारे फ्रॉक की शेप आएगी। अब हम यहाँ से इस तरह इसको डबल फोल्ड करेंगे और 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इलास्टिक डालने के लिए हम हल्का सा गैप रखेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह सिलाई लगाएंगे दोनों साइडों पर। ये दोनों तरफ से हमने साइड की सिलाई लगा ली है और ये दोनों फ्रिल्स को हमने आपस में जोड़ लिया है। अब हम नीचे की साइड से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये फ्रिल को फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही हम इसकी दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये फ्रिल की दूसरी साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इस फ्रॉक को इस तरह रखते हुए यहाँ से हम चुनट देना स्टार्ट करेंगे। एक प्लेट का रुख उस तरफ मोड़ेंगे और एक का अपनी तरफ मोड़ना है। अब फिर से इसका रुख इस तरफ और दूसरी प्लेट का रुख अपनी तरफ। ऐसे ही प्लेट्स लगाते हुए हम टोटली ये फ्रिल लगा लेंगे। ये देखें, ये हमने फ्रिल लगा ली है। अब इसके बाद बाजुओं को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये दोनों बाजुओं की हमने सिलाई लगा ली है और ये 1.5 गज लैस ली है जो हम गले और बाजुओं में एडजस्ट करेंगे। ये लैस हम इस सिलाई के ऊपर लगाएंगे। ये गले और बाजुओं पर हमने लैस लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इस इलास्टिक की लेंथ हमने 15.5 इंच रखी है।
यहाँ से लास्टिक गुजरने के लिए कुछ हिस्सा हमने छोड़ा था। अब हम लास्टिक को इस तरह सेफ्टी पिन की मदद से डालेंगे। इस लास्टिक को इस तरह रखते हुए हम सिलाई के साथ फिक्स कर लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये लास्टिक लगाते हुए हमने डिज़ाइनर फ्रॉक कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गर्मियों में इस तरह के स्टाइल पहने हुए बच्चे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए इसकी बैक साइड भी। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। आपके अच्छे कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।